ये बड़ा ही सुंदर झिकड़ी भजनों का रंगारंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। गांव से है कोसी कला कोसी खुर्द, जिसके गायक हैं चौधरी अमर सिंह, गांव नीतन वास्त सिंगा सादाबाद हाथरस उत्तर प्रदेश से ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे बड़े भाई पवन कुमार उजरई जाट खंदौली आगरा उत्तर प्रदेश से। झीका की आप झनकार सुन रहे हैं भाई घनश्याम जी रूपबास से। इसकी वीडियो की रिकॉर्डिंग जो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं पंडित रोहतास डीजे साउंड सर्विस जनूथर राजस्थान से। आइए एक और शानदार प्रस्तुति आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है, सुनिएगा। विराजमान हमारी कमेटी के मेंबर पधारे हुए जितने भी जिकड़ी के प्रेमी श्रोता मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी एवं माता अनुसुईया सती सावित्री जैसे पतिव्रत धर्म में पलने वाली मातृशक्ति माताएं बहनाएं, सर्वप्रथम चौधरी अमर सिंह की ओर से आप सभी के चरणों में नमामि नमस्कार राम राम साहब। आदरणीय महान भावो आपके बीच में बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकार पधारे हुए हैं। मैं तो अपने आप को बहुत छोटा कलाकार समझता हूं, उनके चरणों की जो रज होती है उसके बराबर भी नहीं, लेकिन कोशिश करूंगा आपके दिल को छूने की, क्योंकि कहते हैं कवियों की कविताएं गायकों की गायकी अलग अलग हुआ करती है। गौर दीजिएगा, कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में बड़ा सुंदर भाव दर्शाया है। ऐसा बताते हैं हिंदू धर्म में जब भी किसी धार्मिक कार्य की शुरुआत की जाती है सर्वप्रथम गौरी पुत्र गणेश जी का आवाहन किया जाता है, उनको मनाया जाता है। आइए सूक्ष्म रूप में चंद लाइनों के द्वारा उनके चरणों में नमन करते हुए चलते हैं। हरि ओ गजानन भूति गणादि सेवितम् कपिथि जम्बू फल चार भक्षण उमा सुतम शोक विनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् सब कुछ दीना कवि ने लिखा है करागी वही जामे राम बसे और ध्यान वही जो धनी
मत संग जरे पुत्र वही जो पिता के कहेगा। और कहा के राजा वही के राजा वही सब भार कुझेले और भैया वही जो कि बाह गहे को सुख संपत्ति के यार घने पर मित्र वही जो कि विपत पड़े को। इसी बीच इक्यावन रुपए का आशीर्वाद आपके जाने पहचाने पंडित रोहतास डीजे साउंड सर्विस सनुथर निवासी प्रदान कर रहे हैं। ब्राह्मण देवता सर्वप्रथम पुरस्कार कर रहे हैं, चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद की कामना करते हैं। आइए, जैसा कि आप जानते हैं सभी, जिकड़ी की जहां से शुरुआत होती है, जिसे जिकड़ी की जननी, जिकड़ी की मां, जिकड़ी की धरोहर कहते हैं, साखी, आइए जिकड़ी की मर्यादा को बनाते हुए, क्योंकि ये जिकड़ी भजनों का कार्यक्रम है, उसी मर्यादा को, उसी परंपरा को निभाते हुए चलेंगे। सुनिएगा क्या लिखा है। ए जी हो गर्भ गुमा हो अरे गर्भ गुमा हेरे गर्भ गुमा
आइए अब अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे प्रसंग की तरफ। गौर दीजिए, जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, धर्मराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के राजा बन गए। मन में ऐसा विचार आया, राजा का एक कर्तव्य होता है, एक धर्म होता है, विश्व विजयी यज्ञ करना, विश्व विजयी घोड़ा छोड़ना। आह बंधुओं, ऐसा सोच करके आज भगवान कृष्ण के पास में पहुंचे, जाकर के प्रभु से निवेदन किया, प्रभु मैं विश्व विजयी यज्ञ करना चाहता हूं, विश्व विजयी घोड़ा छोड़ना चाहता हूं। भगवान ने कहा, धर्मराज आपके विचार तो बड़े उत्तम हैं, लेकिन सुनिए, ये आपका यज्ञ सफल नहीं हो सकता। धर्मराज हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, क्यों प्रभु? भगवान कहते हैं, क्योंकि एक ऐसा योद्धा है जो आपके यज्ञ को सफल नहीं होने देगा। आहा बंधु, धर्मराज कहते हैं, प्रभु एक बात बताइए, क्या इस पृथ्वी पर अर्जुन से भी बड़ा कोई वीर है? भगवान कहने लगे, धर्मराज अर्जुन से बड़ा वीर नहीं है, लेकिन एक कांटा अवश्य है, इसलिए पहले काटो बाकांटे को। अरे पहले काटो बाकांटे को, जो रास्ता में रोड़ा है, अरे फिर छोड़ो, तुमने धरक है कि विश्व विजय को घोड़ा है, सो नाम गाम बतला दे स्वामी। अरे नाम गाम बतला दे स्वामी, धर्मराज यो बोलिया, जब भेद प्रभु ने बोलो, बार बार जब निवेदन किया, आहा धर्मराज के कहने पर भगवान श्री कृष्ण आज बतला रहे हैं कि आखिर वो योद्धा कौन है। सुनिएगा क्या बताया भैया जी। और कोई कहने लगे बनवारी है, और पाके बल को, और पाके बल को, अरे पारी नहीं वो जरा संत बल था। मानवेंद्र जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तब सौन पूह मारे गो,
हरी कहे हाँ हरी कहे कोई हरी कहे नानू कारण में कैसे हिम्मत हारे गो हरी कहे नानू कारण में एक अमर मेरा पुरस्कार प्रदीप कुंतल जी नगला खारी निवासी प्रदान कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद आहा बंधुओं कहा है उपदेश में बदल गया जमाना लोग बदल गया जमाना लोग यार ना रहा बदल गया जमाना लोग यार ना रहा माँ के जाए माँ के जाए भाइयों में प्यार ना रहा अरे माँ के बहुत किए अपनी भरी जवानी में कौतिक तूने बहुत किए हैं अपनी भरी जवानी में और इसी बीच एक कैमरे में का पुरस्कार विश्राम सिंह गारोली निवासी प्रदान कर रहे हैं और ये 101 रुपए का पुरस्कार श्री सुरेंद्र सिंह खेड़ी निवासी प्रदान कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद कहा कौतिक तूने बहुत किए हैं कौतिक तूने बहुत किए हैं अपनी भरी जवानी में कौतिक तूने बहुत किए हैं श्री पुष्पेंद्र सिंह फोंडर निवासी 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद कहा कौतिक तूने बहुत किए हैं और ये एक कैमरे में का पुरस्कार तुलसी चौधरी जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कौतिक तूने बहुत किए हैं अपनी भरी जवानी में चेता तो फिर इसी बीच 101 रुपए का पुरस्कार श्री बच्चू सिंह प्रधान जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद चेता तो फिर कब चेता जब भैंस चली गई पानी में चेता तो फिर कब चेता जब अरे भैंस चली गई पानी में रे भगवान श्री कृष्ण बताने लगे धर्मराज जरासंध एक ऐसा योद्धा है जिसके कारण मुझे भी ब्रज को छोड़ना पड़ा कहने लगे अर्थ में बताया कि छोड़ दियो ब्रज बाके भैसे अरे छोड़ दियो ब्रज बाके भैसे पूरी द्वारका आयो हूं अरे हे वरदान ऋषि को बाकू मार नहीं मैं आयो हूं जब तक जिंदो वो जरासंध है जब तक जिंदो वो जरासंध है कहने लगे ही योगी ना यज्ञ तुम्हारी होगी जब तक वो जरासंध जीवित है आपका यज्ञ पूरा नहीं हो सकता आहा बंधुओं धर्मराज कहते हैं प्रभु एक बात बताइए उसका जन्म कहां हुआ उसके पास ऐसी शक्ति कहां से आई आखिर उसको वरदान किसने दिए जब पूछा तो भगवान कृष्ण बतला रहे हैं सुनिए धर्मराज मैं बताता हूं उसका जन्म कहां हुआ और उसके पास ऐसी शक्ति कहां से आई सुनिएगा क्या लिख दिया अरे बन रहे कोटा और विशाल सुनो और भूपाल सत्य कहूं बानी और जहां रहे बृहद्रथ और जहां
सुंदरता की खान रे महल में जाके रानी, सुंदरता की खान रे महल में जाके रानी। अरे महल में सुरानी जाके, गौर दीजिएगा। गीत में पांच तरह की फुलवारी का वर्णन किया गया है, बड़ा सुंदर भाव दर्शाया है कवि ने। फिल्मी दुनिया वालों ने एक गीत निकाला, बड़ी पुरानी धुन है। हो चिंगारी जब कोई भड़े उसे सावन तुरंत बुझाए, लेकिन इधर इधर कभी दिख रहा है कि फुलवारी जब कोई उजड़े तो उसे माली सींच सजाए, लेकिन इसके विलोम में क्या लिखा है, जब माली खुद ही उजाड़े उसे कौन बचाए, ओ उसे कौन बचाए। फुलवारी जब कोई उजड़े उसे माली सींच सजाए, जब माली खुद ही उजाड़े उसे कौन बचाए, हो उसे कौन बचाए। पहली कड़ी और लिखा कि कितना पावन और शीतल
चाहे कितना भी झगड़ा हो जाए, लेकिन एक माँ ऐसी होती है जो हमेशा अपने बेटा से प्यार करती है। इसी बीच एक कैमरा पे का पुरस्कार श्री उदम सिंह ब्राह्मी निवासी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा क्या कितना पावन और शीतल है एक माँ बेटे का नाता, और नौ मास गर्भ में रखती उस माँ को मैं शीश नवाता, वो नौ मास गर्भ में रखती उस माँ को मैं शीश नवाता। कि बेटा जब है, बेटा जब है, बेटा जब माँ से रूठे तो उसे मैया तुरंत मनाए। लेकिन इसके विलोम में क्या लिख दिया, अगर लाइन आपके दिल को छू जाए तो तालियों का प्यार चाहूंगा। बेटा जब है, बेटा जब माँ से रूठे तो उसे मैया तुरंत मनाए, जब माँ बेटा से रूठे उसे कौन मनाए, हो उसे कौन मनाए। दूसरी घड़ी भरी सभा में मेरी हो, 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 भरी सभा में मेरी कौन वो एक द्रौपदी सुतासी बहना, लेकिन आकर के लाज बचाई। और ये कैमरा पे का पुरस्कार लाला खेड़िया खुर्द निवासी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या भरी सभा में तेरी एक द्रोप सुतासी बहना, आकर के लाज बचाई उस भैया का क्या कहना, हो उस भैया का क्या कहना। क्या दुशासन है, दुशासन है, दुशासन चीर को खींचे उसे मोहन तुरंत बढ़ाए। आपने टीवी में भी सीरियल में देखा होगा, जब दुष्ट दुशासन द्रौपदी का चीर खींच रहा था के दुशासन है, दुशासन चीर को खींचे उसे मोहन तुरंत बढ़ाए, जब मोहन चीर को खींचे उसे कौन बढ़ाए, ओ दुनिया में देखो और ना करता कोई सहाई। और बंधुओं हर चीज तो मिले दोबारा, मिलता न सहोदर भाई, हर चीज तो मिले दोबारा पर मिलता न सहोदर भाई। आपने देखा होगा हर जगह, जब भाई से है, भाई से दुश्मन अकड़े तो भाई को गुस्सा आए, भाई से हो भाई से दुश्मन अकड़े तो भाई को गुस्सा आए, लेकिन जब भाई यही दुश्मन बन जाए उसे कौन बचाए, ओ उसे कौन बचाए।
की तरफ से, बनवारी प्रधान जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आह बंधुओं, लिखा है अरे मनुष्य क्यों इस पर गुमान करता, ये एक रूप की लख कर थैली, क्यों इस पर गुमान करता। क्योंकि बहुत लोगों को देखा है, कोई कहता है मैं बड़ा सुंदर हूं, मेरा शरीर बड़ा सुंदर है, लेकिन बंधुओं ये शरीर कहते पांच तत्वों से मिलकर के बना है, कोई गोरा है कोई काला है, लेकिन एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाना है। कहा के क्यों इस पर गुमान करता, ये एक रूप की लख कर थैली, तूने पाप किए हैं इतने, ये तेरी चादर हो गई मैली, तूने पाप किए हैं इतने, तेरी चादर हो गई मैली। और चादर में हाय, चादर में हाय, चादर में दाग लग जाए तो उसे धोबी तुरंत छुड़ाए। क्यों? अगर आपके पास पैसा है तो उस दाग को आप पैसा देकर के धोबी से छुड़वा लेंगे, लेकिन एक ऐसा दाग है जो वो पैसे से नहीं छूटता। क्यों? सुनिए के चादर में दाग लग जाए उसे धोबी तुरंत छुड़ाए। जब कुल में दाग लग जाए उसे कौन छुड़ाए, समय को देखते हुए अंतिम बंद और गीत का निचोड़ लिखा है। साड़ी की शोभा सिर है, सिर की शोभा साड़ी, जब जब चीर बदन से खिंचता देखे दुनिया, जब जब चीर बदन से खिंचता देखे दुनिया सारी। साड़ी जब सर से सर के उसे नारी तुरंत सजाए। क्योंकि हमारे भारत देश की एक परंपरा रही है, जब भी नारी के सर से साड़ी सरकती है, पल्लू सरकता है, तुरंत उससे सर ढकती है, घूंघट लगाती है। लेकिन इसके जो विलोम में लिखा है, अगर आपको पसंद आए तो तालियों का प्यार चाहूंगा। सुनिए के साड़ी जब सर से सर के उसे नारी तुरंत सजाए, जब नारी धर्म से सर के उसे कौन बचाए। हो फुलवारी जब कोई उजड़े उसे माली सींच सजाए, जब माली खुद ही उजाड़े